आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.48 ग्राम वोलेटाइल सब्सटेंस अपॉन वेपराइजेशन गिव्स 112 ml वेपर्स एट एसटीपी। ठीक है भाई, एसटीपी पे 112 ml वेपर प्रोड्यूस करता है, क्लियर। तो ये साथ में कह रहा है कि रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वेपर्स ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस टू H2 गैस। सिंपल, आपको रेट ऑफ रेशियो ऑफ डिफ्यूजन पूछा है हाइड्रोजन के साथ, कि जो वेपर है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2। और साथ में बोला गया अज्यूम वेपर्स बिहेव आइडियली, जो वेपर है वो आइडियल गैस के जैसे बिहेव कर रही है। सबसे पहले रेट ऑफ डिफ्यूजन लिख देता हूँ आपके पास, जो चीज पूछी गई है वो लिख लेते हैं अपन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है वो होती है अपने पास पी ए अपॉन अंडर रूट एम इंटू टी, जहाँ टी टेम्परेचर है, एम मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस है, पार्शियल प्रेशर है, गैस का प्रेशर हो गया, और ए क्या है अपने पास क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ से गैस डिफ्यूज हो रही है। वो सारी चीज़ें अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोली गई है तो हम क्या करेंगे, इनको सिमिलर लेंगे, दोनों कंडीशन के, दोनों गैसों के लिए क्या लेंगे, इक्वल ले लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ से क्या करें, मॉलिकुलर वेट हमें गैस का पता नहीं है, क्योंकि गैस का आपको मॉलिकुलर वेट पता होना चाहिए। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूं आर एक्स डिवाइडेड बाई आर एच टू गैस, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एच टू गैस डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स गैस, यही लिखोगे। अब हमें क्या है, गैस का मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, तो वो वेट निकाल लेते हैं कैसे, क्या हम जो वोलेटाइल सब्सटेंस है उसका हम हमें वॉल्यूम गिवन है 112 ml, तो यहाँ वो भी एचटीपी गिवन है साथ में, तो एचटीपी पे मोल्स के कितने कैसे निकालते हैं, बस मोल्स इक्वल टू आएंगे अपने पास जो वॉल्यूम गिवन रहता है लीटर में डिवाइडेड बाय 22.4 करते हैं, तब जाके हमारे पास वो मोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया है, इसका रीजन ये है क्योंकि हमें 112 जो दिया था वो क्या था, ml में, हमें वैल्यू चाहिए होती है हर बार लीटर में, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 × 10⁻³। ठीक है, ये आएंगे मोल्स हमारे पास, तो हम यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या लिखेंगे, 5 × 10⁻³ इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब आपको वेट गिवन था तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इज इक्वल टू आएगा अपने पास, वेट आया अपने पास 4.48 डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻³, जो कि वैल्यू आएगी हमारे पास 96 के इक्वल। ठीक है भाई, अब हमें ये वैल्यू फॉर्मूला में पुट करनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला था आर एक्स, तो सबसे पहले आर एक्स की पूछी थी तो हम आर एक्स ले लेते हैं, आर एक्स डिवाइडेड बाई आर एच टू इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो वो आएगी हमारे पास 2 और इसका हमें मिल गया 96, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगी 1/48 और उसके साथ आएगा अंडर रूट, तो जो ये वैल्यू शो कर रहा है ऑप्शन वही अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, देखो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, सेकंड नंबर ऑप्शन को आप चेक करो, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है वैसे सारे में, ये क्या चीज आएगी आपके पास, ये आएगा 1/4√3, ये इस तरीके से लिखा रहने चाहिए थी, √3 जहां पर भी ऊपर है, जैसे यहाँ ये भी नीचे होना चाहिए था, ये सारी की सारी वैल्यू नीचे होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपने पास सेकंड नंबर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।